पूरी दुनिया में तेजी से फैल रही खतरनाक बीमारी एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स का खतरा भारत में भी देखने को मिल गया। जी हाँ, भारत में इसका पहला मरीज आ गया। इस खतरनाक बीमारी का वायरस अफ्रीका से शुरू होकर यूरोप और फिर अमेरिका तक पहुंचा। अब भारत भी इस ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस का शिकार बन गया। जी हाँ, भारत में भी इस मंकी पॉक्स ने दस्तक दे दी है। भारत में सोमवार को मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है ये व्यक्ति एक युवा पुरुष है जो हाल ही में मंकी पॉक्स वाले क्षेत्र से यात्रा करके वापस लौटा। जैसे ही यात्रा करके वापस लौटा उसमें कुछ मंकी पॉक्स जैसे लक्षण दिखे। उसे वर्तमान में आइसोलेशन में रखा गया। व्यक्ति की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही और उसे कोई अन्य बीमारी नहीं है सिवाय मंकी पॉक्स के। केंद्र सरकार ने ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस इशू यानी मंकी पॉक्स से संबंधित सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एडवाइजरी जारी किया। उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी क्षेत्र में ऐसे लक्षण मंकी पॉक्स जैसे लक्षण किसी को दिखते हैं तो हमें जरूर बताएं। आखिरकार मंकी पॉक्स है क्या, इसके लक्षण क्या है और इसका इलाज क्या है, चलिए जानते हैं कि मंकी पॉक्स क्या है। मंकी पॉक्स एक वायरल इन्फेक्शन है जो मंकी पॉक्स वायरस यानी MPXV के कारण होता है। ये ऑर्थोपॉक्स वायरस जेनस एक प्रजाति है। मंकी पॉक्स को पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था, अब इसे मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है। इस वायरस की पहचान वैज्ञानिकों ने पहली बार 1958 में की थी जब बंदर में पॉक्स जैसी बीमारी का प्रभाव होता था। एमपॉक्स वायरस के उसी परिवार से संबंधित है जिसमें चिकन पॉक्स हो चुका है। जी हाँ, जिसे चिकन पॉक्स हो चुका है उस परिवार में ज्यादा संभावित है कि ये मंकी पॉक्स हो सकता है। एमपॉक्स कैसे फैलता है? अभी तक उपलब्ध जानकारी के मुताबिक एमपॉक्स एक वायरल इन्फेक्शन है जो मुख्य रूप से जिस व्यक्ति को एमपॉक्स हो चुका है या मंकी जानवर के साथ संपर्क में आने से फैलता है। एमपॉक्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इन्फेक्शन स्किन हो या फिर मुंह या फिर जेनिटल जैसे अन्य घावों में जहाँ पर ये मंकी पॉक्स हो चुका है वहाँ से भी फैल सकता है। अगर कोई इंसान के संपर्क में हम आते हैं जिससे मंकी पॉक्स हो चुका है उससे मंकी पॉक्स फैल सकता है। एमपॉक्स के लक्षण क्या है? एमपॉक्स जो लक्षण है, लोगों को शरीर में दाने होते हैं जो हाथ पैर छाती चेहरे या मुंह पर या फिर जेनिटस के आसपास हो सकते हैं। जी हाँ, छोटे छोटे दाने हो सकते हैं, वे मंकी पॉक्स के लक्षण है। ये दोनों जो दाने हैं ये ठीक होने के बाद पपड़ी बनती है। इसके अन्य लक्षण बुखार, सरदर्द और मांसपेशियों में दर्द होना भी शामिल है। जी हाँ, अभी WHO का कहना है कि फिलहाल भारत में इसके ज़्यादा मामले नहीं है। भारत में फिलहाल अभी एक ही मामला है। सबके लिए एडवाइजरी जारी किया कि हाँ, मंकी पॉक्स के खतरन से बड़े। अगर आपको भी थोड़ी सी किसी शरीर मुंह दांत हाथ में कहीं पे भी छोटे छोटे से दाने दिखते हैं तो कृपया करके अपना इलाज कराएं और अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा सकते हैं। पूरी दुनिया में तेजी से फैल रही खतरनाक बीमारी एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स का खतरा भारत में भी देखने को मिल गया। जी हाँ, भारत में इसका पहला मरीज आ गया। इस खतरनाक बीमारी का वायरस अफ्रीका से शुरू होकर यूरोप और फिर अमेरिका तक पहुंचा। अब भारत भी इस ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस का शिकार बन गया। जी हाँ, भारत में भी इस मंकी पॉक्स ने दस्तक दे दी है। भारत में सोमवार को मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है ये व्यक्ति एक युवा पुरुष है जो हाल ही में मंकी पॉक्स वाले क्षेत्र से यात्रा करके वापस लौटा। जैसे ही यात्रा करके वापस लौटा उसमें कुछ मंकी पॉक्स जैसे लक्षण दिखे। उसे वर्तमान में आइसोलेशन में रखा गया। व्यक्ति की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही और उसे कोई अन्य बीमारी नहीं है सिवाय मंकी पॉक्स के। केंद्र सरकार ने ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस इशू यानी मंकी पॉक्स से संबंधित सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एडवाइजरी जारी किया। उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी क्षेत्र में ऐसे लक्षण मंकी पॉक्स जैसे लक्षण किसी को दिखते हैं तो हमें जरूर बताएं। आखिरकार मंकी पॉक्स है क्या, इसके लक्षण क्या है और इसका इलाज क्या है, चलिए जानते हैं कि मंकी पॉक्स क्या है। मंकी पॉक्स एक वायरल इन्फेक्शन है जो मंकी पॉक्स वायरस यानी MPXV के कारण होता है। ये ऑर्थोपॉक्स वायरस जेनस एक प्रजाति है। मंकी पॉक्स को पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था, अब इसे मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है। इस वायरस की पहचान वैज्ञानिकों ने पहली बार 1958 में की थी जब बंदर में पॉक्स जैसी बीमारी का प्रभाव होता था। एमपॉक्स वायरस के उसी परिवार से संबंधित है जिसमें चिकन पॉक्स हो चुका है। जी हाँ, जिसे चिकन पॉक्स हो चुका है उस परिवार में ज्यादा संभावित है कि ये मंकी पॉक्स हो सकता है।
एमपॉक्स कैसे फैलता है। अभी तक उपलब्ध जानकारी के मुताबिक एमपॉक्स एक वायरल इन्फेक्शन है जो मुख्य रूप से जो जिस व्यक्ति को एमपॉक्स हो चुका है या मंकी जानवर के साथ संपर्क में आने से फैलता है। एमपॉक्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इन्फेक्शन स्किन हो या फिर मुंह या फिर जेनिटल जैसे अन्य घावों में जहां पर ये मंकी पॉक्स हो चुका है वहां से भी फैल सकता है। अगर कोई इंसान के संपर्क में हम आते हैं जिससे मंकी पॉक्स हो चुका है उससे मंकी पॉक्स फैल सकता है। एमपॉक्स के लक्षण क्या है। एमपॉक्स जो लक्षण है, लोगों को शरीर में दाने होते हैं जो हाथ पैर छाती चेहरे या मुंह पर या फिर जेनिटस के आसपास हो सकते हैं। जी हाँ, छोटे छोटे दाने हो सकते हैं, वे मंकी पॉक्स के लक्षण है। ये दोनों जो दाने हैं ये ठीक होने के बाद पपड़ी बनती है। इसके अन्य लक्षण बुखार, सरदर्द और मांसपेशियों में दर्द होना भी शामिल है। जी हाँ, अभी WHO का कहना है कि फिलहाल भारत में इसके ज़्यादा मामले नहीं है। भारत में फिलहाल अभी एक ही मामला है। सबके लिए एडवाइजरी जारी किया कि हाँ, मंकी पॉक्स के खतरन से बड़े। अगर आपको भी थोड़ी सी किसी शरीर मुंह दांत हाथ में कहीं पे भी छोटे छोटे से दाने दिखते हैं तो कृपया करके अपना इलाज कराएं और अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करा सकते हैं।